आशा तो है ही, मतलब मान लो कि जब आशा लगा के आशा नहीं पूरा हुआ, आशा पूरा नहीं हुआ है तो मतलब अब दिल टूट गया है। तो टूटेगा आदमी क्या करेगा, विश्वास लेके आया था कि चलो भाई वहाँ जाएंगे बाबा के पास में कि हाँ, नेट पर देख रहे थे कि आदमी भूल के आ रहा है, वहाँ से टहल के आ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ संभावना नहीं हुआ, नहीं लगता है हमको, क्योंकि पहले से देखे बहुत सा पर्ची है जो अंदर दिया गया है। सुबह हम यहाँ पर जब 8 बजे आए उस टाइम बहुत सब पर्ची है जो नाम और पता लिख के दिया गया है अंदर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ आस्था होती है वहाँ पर लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे सामने है। एक महिला हमें मिली है बाबा के दरबार में। आपको पता है कि लाइव सिटीज की टीम नौबतपुर में मौजूद है, तो जब ये महिला हमसे मिली है तो हमने सोचा कि जरा इनसे बातचीत की जाए और जाना जाए कि आखिर इन्हें परेशानी क्यों है और ये क्यों यहाँ पर बाबा के दरबार में कड़कड़ाती धूप में इंतजार कर रही है। क्या नाम है? श्वेता देवी। यहाँ पर क्यों आई है आप श्वेता? बाबा से आए पैर मांगने के लिए, बोलने के लिए। आप तो बाबा से तो मुलाकात नहीं हो पाई? दूर से बाबा खाली मुलाकात देख रहे हैं, बस देख लिया एक झलक। अच्छा, ये बताइए, अर्जी भी लगाई थी? नहीं, अर्जी नहीं लगाई थी। ये हमको समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, नारियल से जो अर्जी लगाते हैं? मेरे मम्मी लगाए। अच्छा, मम्मी लगाई थी अर्जी? हाँ। तो अर्जी तो निकली नहीं, बाबा ने बुलाया नहीं मंच पर, तो दिल टूटा क्या, निराशा हुई थोड़ी बहुत? हम ये सब नहीं जान रहे इस सब के बारे में कि यहाँ पर आइला पर गए, छत पर से गिर गए। निराशा तो है ही, मतलब मान लो कि जब आशा यहाँ पर आए, आशा लगा के आशा नहीं पूरा हुआ, आशा पूरा नहीं हुआ है, तो मतलब अब दिल टूट गया है। तो टूटेगा आदमी क्या करेगा, विश्वास लेके आया था कि चलो भाई वहाँ जाएंगे बाबा के पास में कि हाँ, नेट पर देख रहे थे कि आदमी भूल के आ रहा है, वहाँ से टहल के आ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ संभावना नहीं हुआ, कुछ नहीं, उनसे दर्शन तक नहीं हुआ, तो अच्छा, क्या बताएं? मतलब आँख पे आंसू आ गया। अच्छा, ये बताइए, रोइए नहीं, ये बताइए कि ये इनको समस्या क्या हुई है, कब इनके साथ क्या इसके हुआ? समस्या ये हुआ कि छत पे से गिर गई थी। अच्छा। उस टाइम से इसका आधा शरीर पूरा सूना पड़ गया है और बहुत इलाज करवा लिया, कोई संभावना नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर को दिखा लिया? हाँ, खुद डॉक्टर को दिखा लिया। क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोले भगवान भरोसा करो, कोई आशा नहीं है। पटना में इंदिरा गांधी में इलाज करवाया, कहीं से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अच्छा, हुआ ये बताइए तो बाबा के पास क्यों आए? बाबा के पास देखे नेट पे कि हर रीड वाला की परेशानी का आया था, हमें नेट पर देखे थे कि यहाँ वो चल बुल के वहाँ से आया था। अच्छा, इसलिए हम भी उनके भरोसा से आए थे यहाँ। भरोसा से आए? भरोसा से आए। क्या लगता है अब? नहीं है, आशा नहीं है, लगता अब कोई आशा नहीं है, नहीं है। अच्छा, क्या दोबारा फिर कोशिश करेंगे अगर बाबा यहाँ पर आते हैं, या प्रयास करेंगे? मध्य प्रदेश जाएंगे, बागेश्वर धाम करेंगे, प्रयास करेंगे, और शादी फिर होगा तो आया जाएगा, एक बार और प्रयास करेंगे आने का, एक बार और प्रयास करेंगे। अभी तो मंसूबा टूट गया है कि भाई आने से कोई मतलब नहीं निकला, कूद रहा है तो आदमी क्या लग रहा है कि जान मेरे जा रहा है। अच्छा, आप लोग कहाँ पर थी? वहाँ पर सब लोग हमारे परेशानी हो गई, सारा लोग आदमी गिर रहा है। अच्छा, बेहोश, बेहोशी की हालत में हो गया था ये। हाँ, फिर वहाँ से वापस निकाले किस तरह से? इतना ज्यादा मुशक्कत किया और फिर भी बाबा से मुलाकात नहीं हुआ? सब लोग के साइड किया, फिर भी सब कोई मेरे पे पीछे लड़के गिर रहा। अच्छा, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा लगता है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज? उसके बाद हम हट गए तो बाबा भी हट गए, इधर आगे इधर नहीं लगता है हमको, क्योंकि पहले से देखे बहुत सा पर्ची है जो अंदर दिया गया है। सुबह हम यहाँ पर जब 8 बजे आए उस टाइम बहुत सा पर्ची है जो नाम और पता लिख के दिया गया है अंदर, समझिए ना, और उस हिसाब से देखे कि इसमें से 10-5 लोगों का नाम आया, अब कौन कौन जो नाम थे, पर्ची से आया है कि कैसा है जो पता नहीं। अच्छा, 10-5 पर्ची अंदर दिया गया था? पर्ची कम से कम 100-200 पर्ची गया है अंदर, अंदर गया है, अंदर गया। अच्छा, ये बताइए कि अब तो जैसा कि आपने बोला कि आप जो है दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन अभी दिल टूट गया? हाँ, अभी दिल टूट गया। तो देखिए, आपने सुना कि ये भक्त आए थे यहाँ पर, बाबा से मिलने की आस थी इनकी, लेकिन इनकी जो आस थी, इनकी जो उम्मीद थी, उस पर पानी फिर गया है। बाबा से मुलाकात नहीं हुई और जो परेशानी लेकर आए थे उसका समाधान भी नहीं हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।